अकबरपुर थाना क्षेत्र के गांव सीरावास में खेत से गवार ले जाने के दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों ने युवक पर लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक के दोनों पैर सहित हाथों में गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल युवक को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां युवक का उपचार जारी है। पीड़ित युवक अंकुर ने बताया कि वो अपने घर में खेत में ज्वार लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में बजरंग, रामवीर, हंसराज, राजेश, सुभाष, रामचंद सहित करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उस पर लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक के हाथ व दोनों पैरों में गहरे घाव हो गए। शोर शराबा होने पर हमलावर वहां से भाग गए। घायल अवस्था में उसे अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने अकबरपुर थाने में घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जानकारी से पता चला है कि एक दिन पूर्व ही अंकुर का गांव के किसी व्यक्ति से विवाद हो गया था, जिसमें आपसी समझाइश के मामले में सुलह हो गई थी। इसी बात की रंजिश को लेकर हमला किया गया। मैं जैसे घर से जा रहा था खेत की तरफ, जैसे मैं गांव से बाहर निकला, वहां पे जैसे दुकान के सामने एक आदमी ने पीछे से लठ दिया मेरे, लठ देता है और उसने रोड वगैरह और कुल्हाड़ी से और लाठी से मेरे मारपीट की। उसने जानलेवा हमला किया कहने के मतलब, और एक का नाम बजरंग था, एक का नाम रामवीर था, और एक का नाम मनसराज, और एक का नाम राजेश पायलट था, एक का नाम हरि सिंह था, और एक का नाम मीरालाल, और सुभाष और रामचंद्र। वो कुल करीबन 8 के 10 के बीच में थे। हाँ, और कौन सी गांव की घटना है ये? सीरावास की। सीरावास का? हाँ, इसीलिए शेड। हाँ, तो गांव से बाहर निकलती घटना हुई? हाँ, गांव से जैसे गांव के बीच से बाहर। हाँ, तो क्यों मारपीट करी, कोई बताया था? ऐसी कोई वजह नहीं थी। वहाँ से एक दिन पहले हमारे कुछ वैसे ही थप्पड़ लपेड़े हुए थे, बराबर हो गए थे। उन्हें ना हमें मारे, उनको हमें मारे, मतलब बराबर हो गए थे। फिर उन्हें यानी